क्या स्टार्ट हो रहा है पवित्र रिश्ता टू। अब यहाँ पे अंकिता लोखंडे की जो सास आई और उन्होंने जो है ना अंकिता लोखंडे को बार बार एक बात बोली कि तू पवित्र रिश्ता वाली लड़की, तू पवित्र रिश्ता वाली लड़की, पवित्र रिश्ता का इतना बड़ा नाम था, पवित्र रिश्ता में तूने किया था। वहां पे हमने प्रो में देखा कि अंकिता जो है ना पूरा प्रॉपर साड़ी पहन के, बिंदी लगा के, प्रॉपर जो है ना वो अपना पवित्र रिश्ता वाला जो उन्होंने गेटअप था ना वो किया हुआ है, साड़ी एंड ऑल, पूरा प्रॉपर इंडियन भारतीय नारी जो है ना वो बनी हुई है। वहां पे ना मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है ना कि ये जो इन्होंने सास बहू वाला जो स्क्रिप्ट जो इन्होंने इतना लंबा खींचा है ना पूरे वीक में, इतना क्रिप करना अंकिता का बार बार अपने हस्बैंड का और हस्बैंड का अंकिता का, ये बहुत ही स्क्रिप्टेड लगा, बहुत स्क्रिप्टेड। देखो जो इनकी सास ने बाहर जाके बातें बोली है ना उसके तो मैं देखो मैं बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, बट मैं एक बात कहूंगी कि देखो ये एज में है, पुराने लोग हैं, पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, अब इनको आप बैश मत करो, ट्रोल मत करो। अब उनकी अपनी जो है ना वो एक जैसे कहते हैं ना, अब इस एज के लोगों को ना आप चेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से उन्होंने बोला कि उनका राजा बेटा, उनका जो हीरा बेटा है वो परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि उनका बेटा परफेक्ट है। अगर उन्होंने ये बोला कि अंकिता जो है उसको उनके बेटे को संभालना चाहिए, तो भाई वाय, आपने जब 40 साल अपने बेटे को नहीं संभाल पाई तो फिर एक इंसान 2 साल में आपके बेटे को कैसे संभाल सकता है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी औरतों के लिए। अब लेकिन यहाँ पे लेट्स कम टू द पॉइंट कि पवित्र रिश्ता, इस सिचुएशन को मैंने देखा है कि ड्रैग किया है इस सिचुएशन को, कि अंकिता लोखंडे पे एक सिंपथी दिलाई है क्योंकि उनकी सास को, क्योंकि जो उन्हें कैमरे का नहीं पता, उन्हें कैमरे की इतनी सेंस नहीं है, उनको बिठा दिया जो है थेरेपी रूम में, क्या क्या अलोन टाइम में, और वहाँ पर उनकी सास ने वहाँ पर बोल दिया, बाहर भी उनकी सास जो है नींद में, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया और बहुत कुछ जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया। अब यहाँ पर अंकिता लोखंडे को एक सिंपथी मिल गई है, वहाँ जहाँ सिंपथी मिली है, पवित्र रिश्ता हुआ, वहीं पर हमने प्रोमो में देखा कि अंकिता लोखंडे जो है वो साड़ी वगैरह पहन के प्रॉपर बिंदी लगा के बैठी है, और फिर बड़ा ही स्क्रिप्टेड, बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा है वो सीन जो विक्की और अंकिता के बीच में, जिसमें अंकिता ये बता रही है कि भाई पापा ने मेरी मम्मी को कॉल करके ये बातें बोली। आप लोग कहीं से भी इस चीज को अगर रियल समझ लो ना भाई, मत समझो, आई एम 100% श्योर कि इनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट इस तरह पवित्र रिश्ता टाइप का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसकी ये पहले से ही जो है ना वो रिहर्सल और सब चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें ये हो रही है ना ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि इनको एक हमदर्दी दिलाई जा रही है, एक सिंपथी दिलाई जा रही है कि बेचारी अंकिता के साथ बहुत गलत होता है। आई अग्री अगैन कि जो उनकी सास से बाहर आगे किया वो गलत है, बट उनकी एज है, हम उनको बैश तो नहीं कर सकते भाई, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज़ को अब हम चेंज भी नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं रिस्पेक्टफुली कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये अब नहीं होती हैं। और अगर आप ये किसी भी लड़की से एक्सपेक्ट करते हो, जो भी अगर कोई मुझे देख रही है जिनका बेटे की अभी शादी होने वाली है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अपने बेटे को 30 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप प्लीज़ किसी आने वाली से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 2 साल में चेंज कर दे, 2 साल में उसको संभाल ले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो शादी करती है ना वो एडॉप्ट नहीं करती है आपके ओवर ग्रोन अप बेबी को, जैसे कहते हैं ना पूरी फुल साइज बॉडी के बेबी को अडॉप्ट नहीं कर रही होती है, वो शादी करती है एक, जैसे कहते हैं ना, एक कंपैटिबिलिटी के लिए, कि एक लाइफ पार्टनर के लिए जिसके साथ वो जिंदगी में चले, आगे बढ़े और एक्सप्लोर करे, ना कि वो उसकी जो है बेबी सिटिंग करे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ। बट जो ये सब कुछ हो रहा है ना सास बहू वाला, मुझे तो ये बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा है, बहुत ही फिशी लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।